अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये इशू अगर आपके एडसेंस अकाउंट में आ चुका है तो इसको कैसे सॉल्व करना है। सिर्फ 3 घंटों के अंदर ये इशू मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ ही इशू सॉल्व करके तरीकाकार बताऊंगा कि इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो योर पेमेंट आर करंटली ऑन होल्ड, ठीक है। एक्शन इज़ रिक्वायर्ड टू रिलीज पेमेंट, यही मेरे पास इशू आया है, ठीक है। एक्शन वाले एक्शन पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। एक्शन लेते हैं तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे देर आ रही इशूज विद योर पेमेंट अकाउंट वगैरह ऐसे कुछ सीन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 कॉन्टैक्ट और लर्न मोर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। और योर देखिए करंटली इनेबल दी रिसीव पे आउट बिकॉज मतलब इशू आ चुका है हमारे अकाउंट में, ठीक है। सस्पेंड हो चुका है योर पेमेंट प्रोफाइल इज करंटली सस्पेंड, हमारी जो प्रोफाइल है वो सस्पेंड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट एस पे क्लिक करूँगा या कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा पेमेंट वाला या वगैरह कोई यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें इशू सॉल्व करने का कोई भी तरीकाकार ईमेल या कोई भी फॉर्म वगैरह नहीं मिलता, तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा। नीचे वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं, जैसे हमारे अकाउंट सस्पेंड हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लर्न मोर ऑप्शन वाले पे क्लिक करने, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए कुछ आपको न्यू ऐसा इंटरफेस नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपना वेरीफाई अकाउंट करवाने, ठीक है। यहाँ पे देख सकते वेरीफाई योर अकाउंट, यहाँ पे आपने फॉर्म फिल करने है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इसको पहले ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, फॉर्म को पहले फिल कर चुके हैं, तो इसके लिए 24 से 48 घंटों का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप बार बार फॉर्म फिल करेंगे तो आपका इशू सॉल्व नहीं हो सकता, उल्टा नुकसान हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद आप नीचे देख सकते हैं गूगल अकाउंट इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, ठीक है। और किस अकाउंट में इशू आया है, और आपने अपना नाम देना है, वो जो कि आपका रियल नाम जो कि आईडी कार्ड का ऊपर नाम है, ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम देना है, उसके बाद कोई आपने मतलब सेकेंड ईमेल देना, और जिस अकाउंट से आपका इशू बना है जीमेल देना है, ठीक है। जीमेल देने को प्रोफाइल आईडी कोड मिल जाएगी, ठीक है। वो देने के बाद एक्सेप्टेड फॉर्म आईडी का, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो है ना, पासपोर्ट, उसके बाद नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो आपका आईडी कार्ड होता है, ठीक है। उसके बाद स्टेट इशूड मतलब कोई भी आप गवर्नमेंट का जो आपका बना हुआ है आईडी कार्ड, ठीक है, नेशनल, वो देख सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट कार्ड वगैरह या और कोई भी अदर कार्ड नहीं चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये आपने सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे नीचे देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए चूज फाइल, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपलोड मतलब जो गवर्नमेंट का इशू आपने लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस या वगैरह आईडी कार्ड के थ्रू या मतलब जिसके थ्रू आप करना चाहते हो पासपोर्ट के थ्रू, उसके आपने फोटो ले लेनी फ्रेंड और बैक की, ठीक है। और अगर आप आईडी कार्ड के थ्रू कर रहे हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपके बैक साइड के ऊपर होम एड्रेस है तो यहाँ पे आपने यस पे क्लिक करना, ऊपर वाले पे नो पे क्लिक करना है, ठीक है, अगर आप पाकिस्तान से हो, ठीक है। और उसके बाद चूज फाइल यहाँ पे मैं करने के बाद यहाँ पे देखे मैं थोड़ी वीडियो स्किप करके अपनी फाइल सब कुछ सबमिट करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। गूगल एडसेंस वाले इशू आपने सॉल्व करवाने, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखो अपना जो आईडी कार्ड की फोटो है फ्रेंड और बैक का सेंड कर रखा है, उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ 5 से 10 मिनट का आपका टाइम लगेगा, देखिए के 5 से 10 मिनट के अंदर या 1-2 मिनट के अंदर ही आपको ईमेल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने वेट करने 24 घंटों का, जो ईमेल अभी आएगा वो ईमेल ऊपर देखो मैं अभी आपको चेक करवा देता हूँ, ये मुझे भी आ चुका है, ये ईमेल का आपने वेट नहीं करना। ये तो थैंक यू फॉर सबमिटेड योर मतलब डॉक्यूमेंट, जो आपने अपने डॉक्यूमेंट फाइल फ़ोटो वगैरह सेंड किया है, ठीक है, डॉक्यूमेंट सेंड किया, वो रिव्यू करेगा, 24 से 48 घंटों का टाइम लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आने के बाद ये इशू आपका सॉल्व नहीं होगा। अभी मैं गूगल एडसेंस पे दोबारा आया हूँ, यहाँ पे देखो एक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो वहीं इशूज मतलब आएगा, सॉल्व नहीं होगा। सॉल्व तभी होगा जब आपका ईमेल आ जाएगा, ठीक है। ये देखो 3 घंटे मैंने वेट किया, 3 घंटे वेट करने के बाद एक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ये देखो होम पेज पे आ चुका है, एक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे देखो वेरिफिकेशन चेक, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट, एड्रेस वेरिफिकेशन, यानी कि जो मुझे एडसेंस की पिन है उसके लिए अप्लाई किया है उसका इशू आ रहा है, ठीक है। लेकिन मेरा जो बिल्कुल मतलब इशू है ना वो सॉल्व हो चुका है। अगर नहीं बिलीव तो देखो मैं 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद पेमेंट प्रोफाइल पे आके यहाँ पे चेक करवा चुका है, मेरा इशू सॉल्व हो चुका है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी।